डूड तेरे को लास्ट बार याद है हम न्यू ईयर्स पे कब इतने टाइम के लिए बैंगलोर से बाहर निकले थे साथ में? आई थिंक मनाली. हाँ यार ऑलमोस्ट, या ऑलमोस्ट दो साल हो गए. उसके बाद यू नो एवरीथिंग हैज चेंज, कोविड आ गया, घर से बाहर नहीं निकल पाए. आई थिंक गोवा वाज मस्ट हैव बीन फन फॉर यू, बट उसके अलावा इस साल कुछ ज़्यादा लंबी ट्रिप से नहीं करी तुमने? गोवा वाज फन, बट उसके बाद से जो डेढ़ महीने घर पे है ना, इट वाज वेरी बैड मैन. आई डेस्परेटली वांटेड टू गो आउट. Yeah, I agree, and I think it was the right decision that we, you know, came out of Bangalore. It was the best decision. It was the best decision to come out here. Yeah, so अभी तक तो best decision है, but अगर तू daily मेरे को ये सुबह 4 बजे उठाएगा ना, तो मुझसे ना हो पाएगा. मैं पहले ही बता रहा हूँ. Dude, you are in for some adventure, dude. Let's go. चल. Can you please change the song? Why do you want to change the song? Yaar, because ye bahut zyada frustrating hai yaar. Matlab 6 ghante se hum ye same gaane sunte aa rahe hain. Dude, why bhai do in gaano mein vibe hai? Punjabi song sunne mein. Punjabi to nahi hota. Are yaar, it will go with the vibe. Kaun si vibe? Yahan pe pure badal hoge rakhe hain aur tum Punjabi mein dhijje dhijje karna chahte ho. Tu yaar gaadi rok. Gaadi bhi nahi. Dude, just stop the car, man. Matlab don't piss me off right now. Gaadi to nahi. Dude, I'll just open the door and get down. Just stop the car. Yaar, dude, stop the car. All right. ओफो, ये लोग फिर से शुरू हो गए. दो भाई रोड ट्रिप पर साथ में जाए और थोड़ी फाइट ना हो तो पूरी रोड ट्रिप में कुछ अधूरा सा लगता है. बाय द वे, आप सोच रहे होंगे कि ये दो भाइयों की ट्रिप में एक लड़की क्या कर रही है. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं हूँ छोटी सी प्यारी सी मायरा, एंड मैं भी इनके साथ रोड ट्रिप पर जा रही हूँ. हम लोग जा रहे हैं केरला, एंड दोनों ने एक दूसरे के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंसेस प्लान किए हैं जिसके बारे में दूसरे को नहीं पता. दिस इज माई फर्स्ट रोड ट्रिप एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. क्या आप लोग चलना चाहेंगे मेरे साथ इस अमेजिंग जर्नी पर? यार अब तो बता दे यार, कहाँ जा रहे हैं? अब तो तू गाने भी चला दिए, गाड़ी भी चला रहा है, अब तो बता दे कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली. चिल कर रहे हैं यार, वाइब्स एंजॉय कर रहे हैं, लाइट ले हैं. यार कुछ हिंट तो दे दे, एटलीस्ट कुछ तो बता दे कि जा कहाँ रहे हैं एग्जैक्टली. देखो पता तो है ही कहाँ जा रहे हैं. तुम्हें कितना पता केरला जा रहे हैं, बट अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? यार देखो जब टाइम आएगा ना पता चल जाएगा. अच्छा कुछ जगह के बारे में बता दे, कुछ तो बता दे. लेट इट बी दैट, एटलीस्ट कुछ हिंट तो दे दे कि कहाँ जा रहे हैं. अबे चिल लेना यार, ड्राइव एंजॉय कर भाई. निशित को इतना क्यूरियस देखकर मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है. मोर ओवर बिकॉज मुझे पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं. हम जा रहे हैं, अरे नो, इवन आई एम नॉट गोना रिवील दिस, बट ट्रस्ट मी यू वुड लव दैट प्लेस.
यार ये रोड कितनी अमेजिंग है सामने। सही में कितनी प्यारी रोड्स है ये। नाउ आई अंडरस्टैंड ये लोग इतना क्यों क्रेव कर रहे थे बैंगलोर से बाहर निकलने के लिए। इन्हीं एक्सपीरियंसेस को तो हम मिस करते हैं ड्यूरिंग आवर बिजी लाइफ्स। कन्नूर, डूड कन्नूर, सीरियसली कन्नूर। सो गाइस, वी हैव फाइनली रीच्ड कन्नूर आफ्टर एन अमेजिंग ड्राइव फ्रॉम कूर्ग। सो अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि केरला और हम कन्नूर क्यों आए हैं। देयर आर लॉट ऑफ गुड प्लेसेस हियर अराउंड। सो लेट मी जस्ट टेल यू, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कोस्टल टाउन्स इन केरला। इट वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जहाँ से कि पूरा ग्रीक सिविलाइजेशन, अरब और रोमन्स को स्पाइसेस ट्रेड करते थे हम। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाउन। ऑल्सो इट्स ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ लूम्स बिकॉज यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा करती है। एंड फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल परस्पेक्टिव ऑल्सो दिस इज एन अमेजिंग प्लेस। इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। एंड देर इज़ अ वेरी फेमस आर्ट फॉर्म कॉल्ड थेयम विच इज़ बेसिकली यू नो एन एम्बॉडीमेंट ऑफ डांस, म्यूजिक एंड माइम। एंड दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन फॉर दैट। सो अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार इन सारी चीज़ों में से ऐसा क्या एक्सपीरियंस है जो निशित ने कभी लाइफ में किया नहीं होगा या फिर वो कभी इमेजिन नहीं कर पाएगा। तो जस्ट होल्ड ऑन योर नर्व्स, अभी मैं वो रिवील नहीं करने वाला, उसके लिए आपको ये वीडियो और आगे तक देखना पड़ेगा। जस्ट गो एंड फ्रेशन अप, वी विल सी, आई विल सी यू इन 2 आवर्स एंड देन वी आर गोइंग टू। ऑलराइट, लेट्स गो। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है कन्नूर के बारे में, बट आई मस्ट टेल यू काफ़ी सुंदर जगह है ये। या वो पायम्बलम बीच हो या सेंट एंजेलो फोर्ट बाय द सी, कन्नूर इज एन अमेजिंग प्लेस टू चिल एंड रिलैक्स। नाउ इट्स टाइम फॉर अ फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई कांट वेट। डूड आर यू सीरियस, दिस इज द प्लेस? यस डूड, कभी देखा है तूने ड्राइव इन बीच लाइफ में? वी कैन एक्चुअली ड्राइव ऑन दिस बीच। यार मुझे तो पता है इस बीच को प्रोनाउंस करना भी नहीं आता, इसको शायद कुछ मुजा पिलंगड़ बीच कहते हैं। मुजा पिलंगड़, या काफी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस थे ये। आई मीन बीच पर ड्राइव भी कर सकते हैं, इट्स ट्रूली अनबिलीवेबल। एक तरफ ब्यूटीफुल सनसेट और बीच पर हम लोग ड्राइव करते हुए। आई थिंक आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर टू एंड दिस डे। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं बीच पर भागते हुए कार को ट्रेस करूं, बट उफ ये लोग मुझे नीचे तक उतरने नहीं दिया। बट चाहे कुछ भी हो, मैंने तो बड़े मजे किए। ये मेरा आज तक का सबसे सुंदर सनसेट था। यार क्या सही एक्सपीरियंस था यार, मजा आ गया। तुमसे को बोला ही था तुमने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, वो देखो एक्सपीरियंस करवाऊंगा। मतलब सही में यार नेक्स्ट लेवल फीलिंग, मतलब आई कांट इवन लाइक। कभी कभी ना बस लो के साथ चले जाना चाहिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए लाइफ में। बट डूड तू टेंशन ना ले, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है ना वो इतना नेक्स्ट लेवल होगा ना कि तू देख के एकदम क्रेजी हो। डूड इसको बीट करना ना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट। विद दिस आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन केरला कम्स टू एन एंड। आई हैड अ लॉट ऑफ फन एंड आई होप यू डिड टू। आई विल मीट यू ऑल सून ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ दिस एडवेंचर। अंटिल देन, peace.